नमस्कार, ब्रेक के बाद केगड़ी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर महाराजगंज से है, जहां के पनियारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसके पति ने के बड़े भाई द्वारा 21 सितंबर की रात उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पनियारा थाना में दी थी, पर अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। घर में घुस के हमारे हमारी बलात्कार कहीं अपने बात खा गए तो लैकन की जगह हुई जो बाहर लेके ये भी कौले गाड़ी कौन गाड़ी आ गई ना सुबह तो 7 बजे थाने पर गए कौन सुनवाई ना कौन है वो हमारे पास हो रहा है तो इसकी शिकायत स्थानीय थाने की थी पनी है ना थाने पर देख ले कौन सुनवाई में ना क्या बोला जाता है वहाँ बोले थे कि आ जाएंगे कल आएंगे मुकदमा तुम्हारा लिखा जाए सब बुलवा बुलवा कोनो कार्रवाई नहीं हमारा हुआ। कब एप्लीकेशन दी थी थाने पर आप 21 तारीख से लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब बार बार बोलते हैं किसी से कहोगे तो तुम्हारे जान से मार देंगे। कौन बोलता है यहाँ पे एसपी साहब के यहाँ तो यहाँ क्या हुआ तो बोले थे कि चलिए ठीक है मुकदमा तुम्हारा हो जाएगा घबराइए मत ज्यादा दिन से तुम्हारा पीछे पड़ रहा है कार्रवाई का आश्वासन दिए है 21 तारीख के। खबर कौशाम्बी से है, जो बौली गांव निवासी दो महिलाएं अत्यंत गरीब परिवार से हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र भी हैं, जिन्हें ग्राम विकास अधिकारी ने पास भी किया है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया हुआ है, लेकिन इन दोनों पात्र महिलाओं का पैसा ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और विकास खंड अधिकारी की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास का पैसा बौली ग्राम पंचायत के दो अपात्र महिलाओं के खाते में भेज दिया गया। और अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब पहली किस्त का पैसा किसी गलती के कारण अपात्र महिलाओं के खाते में चला गया तो उसे ग्राम विकास अधिकारी ने रोका क्यों नहीं। वहीं पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अधिकारियों से मांग की है कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने 10 दिन के लिए समय मांग कर दोनों पात्र महिलाओं को आश्वासन दिया है। प्रधान बोलावत हम जब दिया था सिंगरेटरी पर तो घर से भगा दी कहा जा हम तेरे को पहले मैं नहीं जानते हम नहीं जानती है दूसरे खाते में भेज दी। आप लोगों का आवास आया है? आपके खाते में पैसा गया? नहीं। किसके खाते में गया? तेरे खाते में गया। तेरे खाते में तो इसकी शिकायत आपने कहीं और किया? किया। कहाँ? अब डीएम के पास मांगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काम हो जाइए। अब तक 15 दिन में एली डेले लगाए कुछ हमारा काम हो नहीं। वीडियो साहब को नहीं दिए हो? हमारे सगे भतीजे थे। मामला बबेरू रोड कस्बे की ओरन रोड गैस एजेंसी के पास का है, जहां बबेरू से एक टेम्पो में सवार होकर 4 लोग फफूंदी और कायल गांव जा रहे थे, तभी गैस एजेंसी तालाब के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क के किनारे तालाब पर पलट गई। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जेसीबी के द्वारा टेम्पो में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में पुलिस ने 2 मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भेजा है और घायलों को अस्पताल भेजा है। हमारे सगे भतीजे थे और ये टेम्पो लेके मतलब सर्विसिंग करवा के अपने गाँव जा रहे थे। इसके बाद टेम्पो जब बस निकल के गैस एजेंसी के पास फंसा तो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर ने टेम्पो में ठोकर मारा और टेम्पो सीधा तालाब के नीचे चला गया। तालाब में पलट गया? तालाब में पलट गया। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 4 लोग थे। 4 लोग सवार? हाँ, जिसमें 2 एक्सपायर हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग बच गए? 2 लोग बचे हैं, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। क्षेत्र बबेरू कस्बा बबेरू ओरन रोड पर एक ट्रैक्टर द्वारा एक टेम्पो को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि टेम्पो चालक व एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घायल को जिला अस्पताल बांदा भिजवा दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
खबर बांदा से है, जहां गणेश विसर्जन को लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मूर्ति के लिए जाते नजर आए। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदा किया। वहीं सभी भक्तों से अनुरोध करते हुए समझाया गया कि कोई भी भक्त मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी के अंदर नहीं उतरेगा, इसलिए विसर्जन के समय मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों ने नदी के किनारे ही गणपति बप्पा का विसर्जन करवाया। खबर चित्रकूट के करवी से है, जहां सोनेपुर स्थित रामवाटिका में सपा प्रदेश सचिव मेघनाथ खंगार पहुंचे। वहीं सपाइयों ने जोरदार फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं सपा प्रदेश सचिव मेघनाथ खंगार ने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ शहर से लेकर गाँव जनसंपर्क करने के लिए प्रेरित किया और साथ में वर्तमान सरकार पर हमला बोला। प्रयास रहा है देश के अंदर दलित बैकवर्ड को, इस देश के अंदर जो आज इस मोदी रूपी सरकार में जो न्याय नहीं मिल रहा है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे दलित अल्पसंख्यक एवं बैकवर्ड के लोग हैं उनको न्याय मिले। हम लोग 2024 की लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से 80 में से कम हम लोग 70 सीटें जीत करके और माननीय जी का जिनके लिए थाना महावन क्षेत्र में मथुरा के थाना महावन और एसओजी टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मासूम नाबालिग बच्ची के साथ थाना क्षेत्र महावन में हुई दुष्कर्म की घटना का सफल अनावरण किया गया और सूचना के आधार पर दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना महावन क्षेत्र में दिनांक 24 सितंबर को रात्रि में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। संबंधित प्रकरण में तत्काल बाली की तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। जो पीड़िता थी उसका मेडिकल तथा उपचार कराया गया और साथ ही साथ SPRA और CO महावन के नेतृत्व में सभी टीमें लग गई इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसमें थाना महावन की टीम और SOG प्रभारी राकेश की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और जो आरोपी है राजन उसे गिरफ्तार किया है। अब उनको गिरफ्तार करने के उपरांत जेल भेजा जा रहा है उसको, और साथ ही साथ विवेचना को शीघ्र गुणवत्तापूर्वक फॉरेंसिक साइंटिफिक एविडेंस का समायोजन करते हुए शीघ्र संपन्न कराते हुए इसकी माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध। थाना